हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि मेरा चैनल बहुत ही प्यारा है, सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लीनिंग। हम लोग करेंगे कौन मेरी तरीके से हमारे घर की क्लीनिंग। अगर आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप देखना चाहते हैं कौन मरी मेथड है, मरी कॉन्डो का, जो कि नेटफ्लिक्स पे बहुत ही पॉपुलर सीरी है आजकल। वो घर को क्लीन करने का तरीका बताती हैं जापानीज तरीके से। एक्चुअली ये बुक मैंने लास्ट ईयर ली थी। यूट्यूब पे कौन मरी बहुत सालों से फेमस है, लाइक 3-4 सालों से, पर आजकल वो पूरी दुनिया में छा गई हैं, हर एक टॉक शो में उनकी बात हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी अपने घर को क्लीन करूं उनके तरीके से, क्योंकि उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यूजुअली एवरी ईयर 2 टाइम मैं अपने घर को क्लीन करती हूं, फुली डिक्लटर करती हूं, पर मेरा तरीका अलग था। पर आज मैंने सोचा कि मैं कौन मरी के हिसाब से क्लीन करती हूं, सो मैंने शूट भी किया है। स्पेशली जब आप डिक्लटर करते हैं अपने घर को, और उस समय शूट करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हो, साथ में वीडियो भी बनाना काइंड मुश्किल। पर मैंने शूट किया है ताकि आपकी भी मदद हो पाए और आप भी कुछ ना कुछ तो क्लीन करें। सो हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं इसके बारे में। ये जो बुक है इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे अपने घर को आपको क्लीन करना चाहिए, लाइक डिक्लटर करना चाहिए, टाइडी करना चाहिए। सो मरी कॉन्डो का तरीका है कि आपको क्लीनिंग लोकेशन के हिसाब से नहीं, कैटेगरी के हिसाब से करना चाहिए। यूजली हम लोग, आई थिंक हम सभी लोग क्लीनिंग लोकेशन के हिसाब से करते हैं कि आज मुझे मेरा ये रूम क्लीन करना है, कल मैं वॉशरूम करूँगी, देन मैं किचन करूँगी, देन मैं बेसमेंट करूँगी या गेस्ट रूम करूँगी या बच्चों का रूम करूँगी। पर मरी कहती हैं कि आपको क्लीनिंग लोकेशन नहीं, कैटेगरी के हिसाब से करनी चाहिए। लाइक आज की वीडियो में मैंने कौन सी कैटेगरी चूज़ की है, वो है कपड़े। मरी ने एक लिस्ट बना रखी है उनकी कि किस तरह के तरीके से आप अपने घर को क्लीन करें। सबसे पहली कैटेगरी होती है कपड़े, दूसरी कैटेगरी है बुक्स, और तीसरी है पेपर्स, और फोर्थ है किमोनोस, लाइक मिसलेनियस स्टफ लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स या आलतू फालतू चीज़ें, डेकोरेशन जो भी है आपके घर में, और लास्ट है सेंटिमेंटल आइटम्स जिनके साथ आपका काफ़ी लगाव है, आप आसानी से जाने नहीं दे सकते हैं, तो वो उन्होंने लास्ट में रख। सो कपड़ों की कैटेगरी का क्या है, इसकी भी आप डिफरेंट सब कैटेगरीज बना सकते हैं, लाइक बॉटम्स, टॉप्स, स्वेटर्स, और यू नो सीजनल पहनने वाले कपड़े लाइक ड्रेसेस, और मे बी स्विम वेयर, और मे बी आउटर वेयर, और आपका स्की करने का स्टफ। सो इस हिसाब से आप सब कैटेगरीज बना लें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। और इसी कैटेगरी में आपको अपने हैंड बैग्स और बैग्स भी डालने हैं, बेल्ट्स भी डालनी है, और आपके शूज़ भी, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ कपड़ों की कैटेगरी करने वाले हैं, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो सबसे पहली बात है कि सारे आपके कपड़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर लें। वो बोलती हैं कि फ्लोर पे करें, पर मैंने सोचा कि बेड पे करते हैं, क्योंकि जब बेड पे गंद पड़ जाएगा तो आपको क्लीन करने के बिना और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप सोएंगे कहाँ, घर आप ऐसे रहने देंगे। सो मैंने अपने घर के सारे कपड़े अपने बेड पे क्लीन इकट्ठा कर लिए। मैंने कोशिश की कि सभी कपड़े कर लूँ। वो बोलती हैं कि आपको सभी कपड़े एक जगह पे इकट्ठे करने हैं, एक भी कपड़े का पीस घर के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए, सारे कपड़े सेम प्लेस पे होने चाहिए, बेशक कितना बड़ा पाई बन जाए, डजंट मैटर। मरी बोलती है कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके कि हर एक कपड़ा एक जगह पे होना चाहिए। उनका कहना है कि वो अपने क्लाइंट्स को बोलती हैं अगर घर में कहीं पे भी और कपड़ा अवेलेबल है, अगर वो यहाँ पे पाइल में नहीं है, तो उन्हें वो डायरेक्ट डिस्कार्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज उसे यहाँ पे एक पाइल में ला के रखें। उनका मानना है कि अगर आपके पास जो भी सामान है एक पाइल में होता है, तो आपको पता चल रहा है कि आपके पास कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं और उसमें से आप कितने यूजेस ले रहे हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। Thank you.
अगली बारी आती है डिस्कार्ड करने की और कीप करने की। अब क्या है कि हमें हर एक आइटम को अपने हैंड्स में पकड़ के फील करना है कि ये जो आइटम है हमें खुशी देती है या नहीं, उनकी लैंग्वेज में कि आपको ये चीज़ जॉय स्पार्क करती है। अगर तो वो जॉय करती है स्पार्क, अगर वो आप यूज़ भी नहीं कर रहे हैं पर आपको फिर भी बहुत खुशी मिल रही है तो आप उसको कीप कर सकते हैं। पर अगर आपको आइटम से खुशी नहीं मिलती है और आपको डल फील होता है तो उसे आप डिस्कार्ड कर दें, डोनेट कर दें, किसी दोस्त मित्र को दे दें जो उसको यूज़ कर पाए और जिसकी ज़िंदगी में वो स्पार्क ला पाए। और अगर आइटम की हालत काफ़ी ख़राब है, इधर उसको रिपेयर करें अदरवाइज उसको ट्रैश में डाल दें। जब अपने हाथ में आप लेके कोई चीज़ को फील करते हैं तो वो चीज़ अलाइव हो जाती है और बेचारी पता नहीं कब कब से आपके क्लॉजेट के कोने में पड़ी थी, उसको आज़ाद कर दे। वो बोलती है उसको फ्री कर दे अपनी क्लॉजेट में से, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। अब हम यही प्रोसेस को जारी रखेंगे कि हर एक चीज़ को फील करेंगे और डिस्कार्ड करते जा। पाइल्स बना लिए हैं, एक पाइल है जो मैं कीप करूँगी, डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी देते हैं। दूसरा पाइल है जो डोनेट करने वाला है। तीसरा पाइल है जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं अपने दोस्तों को देना चाहूँगी या फिर बहुत ही नज़दीकी लोगों को, वो पाइल अलग से है। और एक है जिसकी हालत ख़राब है, उसे हम ट्रैश में फेंक देंगे। ओके, सो ये सारे हैं जो मैं कीप करना चाहती हूँ। एक्चुअली इसके लिए मैं डाउटफुल हूँ पर बाकी सारी चीज़ें मैं कीप करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास ज़्यादा शूज़ हैं, स्नीकर्स हैं और ये एंकल बूट्स हैं, हील्स कम ही हैं, वैसे ड्रेसी शूज़ कम हैं। सो या आई एम अ कम्फर्ट पर्सन, एवरी डे पहनने वाले स्नो बूट्स हैं ये, एक्चुअली यहाँ रहेंगे। चेल्सी बूट्स भी हमारे साथ रहेंगे। जब आपने सारी चीज़ों को सॉर्ट कर लिया है सो अब बारी आती है डिस्कार्ड करने की। चीज़ों को स्टोर करने से पहले चीज़ों को डिस्कार्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है उनके हिसाब से। सो उनको बैग में डालें, ट्रैश वाली चीज़ को ट्रैश में फेंक दें, अदरवन जिसको डोनेट करना है उसको एक कोने में रख दें। अब बारी आती है चीज़ों को बैक स्टोर करने की। सबसे पहले वो बोलती हैं कि चीज़ों को फोल्ड करें, फोल्ड ऐसे करें कि वो अपने आप स्टैंड हो पाए। ये जो प्रोसीजर है बेस्ट है अगर आपके पास स्टोरेज के ड्रॉर्स हैं। मेरे पास ड्रॉर्स नहीं है तो मैं अपने हिसाब से ही फोल्ड करूँगी जैसे मुझे कन्वीनियंट लगता है। ओके, सो इसमें वो कपड़े हैं जो मैं किसी को दे सकती हूँ क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, मैंने एक दो बारी पहने होंगे और ये मैं यहाँ पे डोनेट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कोई ख़रीदेगा नहीं। और ये जो कपड़े निकले हैं ये मुझे काइंड अच्छे लगते हैं, मैं पहन सकती हूँ, लाइक मैं रेगुलर बेसिस पहन लेती हूँ ये वाले जो सिंपल कॉटन के सूट हैं। इसको मैंने पहले भी ऐसे ही रखा था क्योंकि आप आसानी से जो भी आपको चाहिए वो निकाल लें, अदरवाइज़ अगर स्टैक करके रखते हैं तो आपको पता नहीं चलता आपको क्या चाहिए क्या नहीं। दूसरी बात है कि सूट की सलवार चुन्नी एवरीथिंग मैंने इसी में पैक कर दिया, तो पैकेज निकाल लें
आयरन करें और पहन लें। सो मुझे लगता है कि मैं डन हूँ यहाँ से। ये है जो ऐसे ही फालतू है, मैं इनको कबर्ड में एडजस्ट कर दूँगी। और ये है फैब्रिक जिनका मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, लाइक मैं स्टिच करूँगी और या फिर जो मैंने ऑलरेडी स्टिच किया है उसका बचा हुआ फैब्रिक है जो मैं कभी यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं इसको अपनी स्टूडियो वाली कबर्ड में रखूँगी। और ये सारे दुपट्टे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम है, दुपट्टे जो मुझे अच्छे लगते हैं उनको मैं फेंक नहीं सकती हूँ। वैसे भी जब मैं शूट करती हूँ तो मुझे कई बार दुपट्टा चाहिए होता है, तो मैंने इनको ऐसे रख दिया है तो जो भी मुझे चाहिए वो आसानी से निकाल सकते हैं और उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो शूज़ को सॉर्ट करने के बाद मैंने मोस्टली सारे शूज़ अपने क्लॉजेट में ही एडजस्ट कर लिए थे। पहले मेरे शूज़ कुछ गैराज में थे, कुछ बेसमेंट में थे, और अब मुझे सारे शूज़ मेरी आँखों के सामने हैं, जब भी मुझे यूज़ करने होंगे तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। सो बिफोर यहाँ पे कितने सारे थे स्वेटर्स, अब हमारे पास सिर्फ इतने रह गए हैं मैन, क्योंकि कुछ मैंने हैंगर्स में रख लिए हैं। सो ये है मेरे स्टूडियो की क्लॉजेट, इसमें मैंने वो दुपट्टे रख लिए हैं और इसमें वो फैब्रिक, और इन सब में मैंने फैब्रिक को क्लीन एंड एडजस्ट करके रख लिया है ताकि मैं आसानी से निकाल पाऊँ जिसको मुझे फ़िक्स करना है। और इसमें वो वाले सूट हैं जिनको मुझे चेंज करके कुछ और बनाना है, अदरवाइज़ गिव अवे करना है। लाइक ये मैंने स्कर्ट बनाई थी पर मैं इससे बोर हो चुकी हूँ, अब मुझे इसको कुछ और टर्न करना चाहती हूँ मैं किसी और चीज़ में, और दैट अनारकली सूट को भी मुझे कुछ और बनाना है। सो या दैट्स हैप्पी एंड सॉर्ट, वो बैग उसकी जगह पे स्टोर कर देंगे। मैं हमेशा की तरह कलर कोऑर्डिनेट करके ही करूँगी क्योंकि मुझे ईजी एंड कन्वीनियंट लगता है। और जो भी यहाँ पे शॉपिंग के बैग्स थे और वो भी मैंने गार्बेज में फेंक दिए हैं। और अब हमारा प्रोसेस ख़त्म होता है फाइनली, मुझे 2 दिन लगे ये प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए, पर मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही प्रोडक्टिव फील कर रही हूँ मैं। मरी बोलती हैं कि यू नो, जब आपकी चीज़ें टाइडी होती हैं तो आप अपना फोकस किसी अच्छी चीज़ पे लगा पाते हैं। वो एक एग्ज़ाम्पल बताती हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है उस रात हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, अगर हम स्टडी टेबल पर बैठे हैं हम स्टडी टेबल की क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं। लाइक हमें डस्ट दिखती है, हम बुक्स को सही तरीके से लगाते हैं, हमारे पेन पेंसिल्स को अच्छी तरह रखते हैं, और ऐसा हम क्यों करते हैं? हमें पता है कि वो तो हमारा जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, हमें पढ़ना चाहिए, पर हम क्लीन करने लग जाते हैं और फिर पढ़ते हैं। सो, उनके कहने का पर्पज़ ये है कि जब हमारा आसपास क्लीन होता है तो हम अपना फोकस अच्छी चीज़ पर लगा पाते हैं। वो क्लीनिंग को एक स्पिरिचुअल चीज़ मानती हैं कि जब हमारा घर क्लीन होता है हम लोग ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। सो, मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है, और आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा और ये तरीके से आप भी अपने घर को क्लीन करेंगे। मुझे ज़रूर बताना दोस्तों कि आपने क्लीन किया है या नहीं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने ये वीडियो बोल के शूट की थी पर अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक बंद हो गया तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे 2000 लाइक्स तक पहुंचाएं, मुझे आपके लाइक्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी काम है ताकि आप मेरे फ्यूचर में आने वाली ब्यूटीफुल वीडियोज़ को मिस नहीं करें। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि टिंग टोंग हो जाए आपके फ़ोन पे। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, एनी थिंग। आई लव यू गाइज सो मच। बाय।